हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी सुबह का 7 बज रहा है और सबकी छुट्टी है आज, तो सब घर पे रहेंगे। तो जा रहे हैं बनाने आज छोला भटूरा, क्योंकि बच्चे रहते हैं घर पे तो थोड़ा स्पेशल खोजते हैं कि थोड़ा अलग हो, तो इसलिए छोला भटूरा बहुत ज़्यादा पसंद है तो वही बना दे रहे हैं। काफ़ी देर होता है तो बनाने में, और रात में उसके लिए कुछ तैयारी भी करके नहीं सोए थे, तो अभी सब कुछ करना है तो चलते हैं फटाफट से बनाते हैं। ये बन गया है कबीर के लिए काढ़ा। खांसी ज़बरदस्त हुआ है तो इसलिए ये बना कर दिए हैं। अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो वो पी लेगा। तो बन गया है छोला, ये देखिए, ये कबीर का छोला भटूरा नाश्ता। ये है गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं पीना है बेटा, ठीक है। जल्दी से वो गेम छोड़ करके नाश्ता कीजिए। सबसे पहले सुबह से बताए नहीं थे कि छोला भटूरा बनेगा और अचानक से ला करके दिए तो मज़ा आ गया कबीर को। ये रहा हस्बैंड का और ये रहा मेरा नाश्ता। चलिए नाश्ता करने। मशीन कई दिन से है, 2 दिन से ऐसे पड़ा हुआ था और कपड़ा वहाँ देखिए पूरा जमा हो गया है, क्योंकि इसमें पानी जो है लीक हो रहा था, पानी निकल जा रहा था। खोल करके भी देखे हैं तो देखिए ये निकला क्लिप। ये आयशा का कमाल है, आयशा के पॉकेट में था, उसमें गिरा, एक निकला था, एक रह गया उसी में, इसके वजह से इसका पानी जो है लीक कर रहा था। सब खोल करके निकाल कर कपड़ा का ढेर लग गया है। अब जल्दी से फटाफट इसको धोएंगे, ड्रेस भी है, कल स्कूल जाना है, बारिश के मौसम में जल्दी सूखता नहीं। और ये है मेरा किचन गार्डन, इसमें लगाना है आलू, सब्जी, हर तरह का। तो सब साफ सफाई करवा रहे हैं ताकि इसमें लगाएं, और हल से हल जोतवाना है तो पहले घास को साफ करवाएंगे। तो पूरा गाय जो है, पूरे सबका इसमें घुसा दिया गया है, सब गाय जो है घास खा रही है और कुछ काटा जा रहा है, उसके बाद इसमें हल चलेगा। खाना का टाइम 2 बज गया है, खाना सबका खाना चलेगा। तो ये देखें मनी प्लांट मेरा, इस पॉट का मनी प्लांट सबसे प्यारा दिखता है, एकदम बूशी झाड़ीदार मनी प्लांट। पता नहीं क्यों हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हर पॉट में लगा चुके हैं मनी प्लांट, लेकिन इसमें का जो मनी प्लांट है ना, ये सबसे पहले लगाए थे और इसी में से सब में कटिंग करके लगाए हैं। ये देखें कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए पहले खाना पीना खाते हैं। ये रहा हस्बैंड का खाना, कबीर का खाना। ओ ब्लैक पिंक, तो उसमें वाइट भी है। ये खाना खा रही है दोपहर का, फिर से भटूरा और छोला, इतना ज़्यादा पसंद है क्या। अभी हो गया है शाम, बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है शाम में, तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ खाने पीने का। मकई खाना है ना, चलिए मकई भूनते हैं। कबीर को तो मकई पसंद ही नहीं है। ये रहा मकई आयशा का,
चले मार्केट शाम में। शाम में निकल गए हम लोग को घर में बैठे बैठे चाय पीना है और कुछ नहीं। तो ये देखें चल रहा है आयशु का मकई, कितना फेवरेट है एकदम। और कबीर को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए क्या पसंद है बताइए। बहुत कुछ पसंद है। बहुत कुछ जैसे देखिए पता चल जाएगा। किचन में पूरी तरह से जलने वाले थे। ये देखिए दुपट्टा इतना जल चुका है, ये पानी से बुझाए हैं। आदत है कुछ मिलता नहीं है तो जल्दी में जब रहते हैं ना तो दुपट्टा उठाते हैं और इसी से उतार लेते हैं कुछ भी। कबीर के लिए पानी निकाल गरम कर रहे थे और झट से दुपट्टा लिए, इसी से उतारे और पकड़ लिया, देखे भी नहीं। और पूरा महक रहा था तब जा कर के लगा कि कहाँ किचन में तो कुछ जल ही नहीं रहा है तो क्या महक आ रहा है कहाँ से। तो फिर आयशा देखी, तुम देखी ना, ये नहीं तुम ही देखी थी ना पीछे से। हाँ तब देखे कि जल रहा है, शुक्र है कि दुपट्टे तक रहा, समीज नहीं पकड़ा। चलिए जलने से बच गए, अब चलेगा चाय। हाय हाय बोल दीजिए। हाय मकई का गुठली खाने बैठी मकई खाती है डर डर कर, ठंडा भी रहेगा तो फूकेंगी, फूक मार मार कर खाएंगी। सब पौधों में सूख गया है पानी, तो अभी रात में आए गेट बंद करने तो देखें सब पौधा सूखा हुआ है, जैसे बोल रहा हो ना कि पानी चाहिए। अब ये देखिए आयशा की बदमाशी, अरे ये अमरूद में मत डालो, बारिश में वो खुद अपने ठीक ठाक रहेगा। सबको नहला दो, फिर बदमाशी। मेरा पेड़ भी डालो। अम्मी वाटरप्रूफ लग रहा है ये रबर प्लांट जो है आयशा को वाटरप्रूफ लग रहा है, इस पे पानी ठहर ही नहीं रहा है ना। वाह यहाँ पे अब चलेगा खाना। ये है सब्जी, पूरा कुकर उठा कर के ले आए। और ये रोटी, और कबीर का लाना है दूध, दूध रोटी खाएंगे। ये सोने की तैयारी, बुक और तकिया सब साथ। गुड नाइट। है कबीर, तो वीडियो के यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ख्याल रखें, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।